तो हे हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो सबसे पहले आप लोगों को जिम्मा देना चाहता हूँ, हम महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं मंदिर, जहानाबाद में है दो तीन मंदिर हैं। तो एक मंदिर हम लोगों ने अभी तक आपको नहीं दिखाया है, वो चमत्कारी मंदिर है। उसके अंदर से बताया जाता है कि शिवलिंग अपने आप निकली थी, तो वही मंदिर में जा रहे हैं आप। तो अभी मिलते हैं वही उसी मंदिर में। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत। झाड़ी कटवा के दिखाई गई तो ये मूर्ति निकली थी, उसी मूर्ति से ये हो गया काली सुबह का नाम हो गया, जब से पढ़ने लगा काली सुबह। कितने साल पुराना मंदिर है ये? कम से कम 150 वर्ष का है। अंकल जी ने बताया भी ये 1.5-2 वर्ष पुराना मंदिर है। जो अभी हम लोगों ने आपको अंदर मूर्ति दिखाई थी वही वाली देखे क्या है ये रौनक देखे क्या है? अंकल जी कह रहे हैं 5 बजे आइएगा। 5 बजे आइएगा, इसको खूबी देखे क्या है, कैसा है कैसा नहीं है, आपको भयानक कुछ दिखाई देगा कि नहीं आप आए। खुद तो ऐसा रहता ही बेटा, कभी देखना ये चीज को, जाना तो उसको रौनक तुमको दिखाई देगी कि नहीं। बन आप लोगों को इस वीडियो को इतना वायरल करना कि मंदिर जो है इसका चमत्कार जो है लोगों तक पहुंचे और इस मंदिर को उद्धार हो आगे और मंदिर ये पूरा अच्छे से बन पाए। तो वीडियो को कर देना लाइक। दूसरे मंदिर जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे दूसरे मंदिर का व्यू। बाजार वही मंदिर में आ चुके हैं जो आपको दिखाना था। अभी पहले वाले मंदिर से हो गया, दूसरे वाले मंदिर में आते हैं, तो यहाँ का आपको अच्छे से घुमा।
देख सकते हैं यहाँ कुंड बना हुआ है, यानी काफी प्राचीन मंदिर है। अभी आपको दिखाते हैं मंदिर भी, और काफी पुराना कुंड भी है। गाइस यार ये है काफी प्राचीन मंदिर है। अंदर बहुत ज्यादा भीड़। रेडी तो गाइस यार अभी हम लोग आपको यहाँ पे भीड़ इतनी की मंदिर दिखा नहीं सकते, और भाई गाइस इसका ब्लॉग पूरा पड़ा हुआ है बड़े वाले का, तो आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस अभी मंदिर से नहीं दिखा पाएंगे, भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है भाई, मतलब वीडियो बनाए नहीं। तो गाइस यार अभी हमने पूरा मंदिर घुमा दिया, काफी ज्यादा भीड़ है, वीडियो बनाना तो काफी मुश्किल है। अभी अच्छा हुआ लोग शाम को नहीं आए। Tell me that you love me, even if it's